तो आज होने वाला है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ओडीआई मैच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम को लेकर, कैसे आप इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम बना सकते हैं जो कि आपको एक तरफा विन कराए। क्योंकि दोस्तों हर एक चीज वो लेके आया हूँ जो एक बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने में काम करती है। कौन सा प्लेयर जो पहले बैटिंग करते हुए अच्छा करता है, कौन सा प्लेयर पहले बॉलिंग करते हुए अच्छा करता है, जी हाँ दोस्तों पिच पे कौन कौन से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं, तो आपको हर एक चीज इस वीडियो में पता चल जाएगी कि किन प्लेयर्स को हमको रखना है, किन प्लेयर्स को नहीं रखना है, ग्रैंड लीग में किन प्लेयर्स को ट्राई करना है, स्मॉल लीग में किन प्लेयर्स को ट्राई करना। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि ग्रैंड लीग के भी कुछ कॉम्बिनेशंस लेके आया हूं, ठीक है, वो आपको दिखाऊंगा, उनके थ्रू आपको समझाऊंगा किस तरह से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीमें बनानी है। साथ ही साथ हर एक प्लेयर के स्टैट्स बताऊंगा, साथ ही साथ जो लो सिलेक्शन वाले प्लेयर्स हैं उनके बारे में मैं बताता चलूंगा, हाँ इस प्लेयर को आपको रख लेना है, ये ट्रंप प्लेयर है, इस प्लेयर को ग्रैंड लीग में रोटेट करना है, ये प्लेयर लगभग परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से क्या करना है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लेनी है, आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी कि आपको अपनी फैंटेसी टीम कैसे बनानी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं दोस्तों, जो मेरी फाइनल स्मॉल लीग की टीम होती है, फाइनल ग्रैंड लीग की टीम होती है, प्लेइंग 11 में कोई चेंज होता है या कोई टिप्स या ट्रिक्स जो भी होती है ग्रैंड लीग के लिए, सारी चीजें मैं शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों एकेन अलीम आइडियाज नाम है, 21,900 लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, आप अगर नहीं जुड़े हुए तो आप शायद पीछे, तो सभी लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। बाकी अगर आप सर्च करके जुड़ रहे हो तो कोशिश करना जिस चैनल पे 21,900 सब्सक्राइबर्स हैं, या 22,000 भी हो सकते हैं, या 22,100 हो सकते हैं, या 21,800 हो सकते हैं, मतलब इसी के लगभग होंगे, तो आपको क्या करना, उसी चैनल को ज्वाइन करना, थोड़ा फेक चैनल से आपको बच के रहना, ठीक है, कोशिश करनी फेक चैनल से बच के रहना। अब दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, आपको एक चीज बता देते हैं, यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले एक बेस्ट फैंटेसी ऐप को लेकर, कि आपको अगर एक अच्छा फैंटेसी ऐप चाहिए, बेस्ट फैंटेसी ऐप चाहिए जहाँ पे कंपटीशन ही ना हो, आप आसानी से विन कर पाए, तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे बल्लेबाजी.com की। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाके तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नए यूजर्स के लिए 15% एक्स्ट्रा कैश है, 15% दोस्तों एक्स्ट्रा कैश बहुत होता है, जो कि आपको लगभग कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नए यूजर्स के लिए। तो अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो और इस फीचर का, इस जो ये ऑफर है इसका फ़ायदा उठाओ। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हर एक यूजर के लिए लीग होती है, जैसे दोस्तों ये जो लीग है हेड टू हेड वाली बहुत सस्ती है, 5175 रुपये में, सिर्फ 1 रुपये में 5,000 की लीग है, बाजीगर 10 रुपये में 25,000 की लीग, मतलब सब के लायक यहाँ पे लीग है, सब खेल सकते हैं और बल्लेबाजी हर एक यूजर का ध्यान रखता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लगातार फैंटेसी खेलें तो यहाँ पे एक रिवार्ड वाला जो है ऑफर रहता है, तो यहाँ पे दोस्तों ये रिवार्ड बिल्कुल फ्री में आप जीत सकते हैं, अगर आप फैंटेसी अच्छी खासी यहाँ पे खेल रहे हैं तो, जैसे रॉयल इनफील्ड है, बड़ी बड़ी यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो विन कर सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी खेलेंगे तो ये भी यहाँ पे विन कर सकते हैं, ये भी फायदा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक फीचर है स्टैट्स फैंटेसी का, जैसे साउथ अफ्रीका विल विन द ODI मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे जाके आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कौन सी टीम जीतेगी, ट्रू फॉल्स बता सकते हैं, अगर आप अपने ओपिनियन पे सही होते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्राइस विन कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम स्टॉक प्लेयर्स की, यहाँ पे दोस्तों आप अपने पसंदीदा प्लेयर्स को ले सकते हैं और आपको लगता है ये प्लेयर अपने एवरेज फैंटेसी पॉइंट से ऊपर जाएगा, अगर वो जितना भी ऊपर जाता है वो आपको उतना ही प्रॉफिट करा के जाएगा, तो यहाँ पे जैसे डिकॉक है, पैट कमिंस है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये प्लेयर हमारे लिए बेहतर रहेगा, तो उसी को आप लेके यहां पे क्या कर सकते हैं आसानी से दोस्तों, इस चीज को अगर आप समझ गए तो यहां से बहुत कमाओगे। तो ये इतने बेहतरीन फीचर हैं, सभी लोग जाओ, कोई भी मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर लो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पे हम ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को लेकर, जो कि आपको एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिख जाएगी।
दोस्तों यहाँ पे आपको डेविड वार्नर और त्राविस हेड खेलते दिख जाएंगे। तीन नंबर पे मिचेल मार्श, फिर मानस लाबुसेन, एलेक्स केरी, मार्कस स्टाइनिस, कैमरन ग्रीन, सान आवर्ट, पैट कमिंस, एडम जैम्पा, जॉस हेजलवुड। दोस्तों यहाँ पे हो सकता हो हमें कुछ अपडेट मिली कि पैट कमिंस अगर नहीं खेलते तो नाथन एलिस यहाँ पे खेलते दिख सकते हैं। तो ये थोड़ा प्लेस जो कन्फ्यूज वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। बाकी नाथन एलिस आपको खेलते दिख सकते हैं अगर नहीं खेलते पैट कमिंस। बाकी दोस्तों सारी यही प्लेइंग 11 हो सकती है। यहाँ पे अगर कोई चेंज होता है, अपडेट मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, जैसा कि मैं अभी बोल चुका हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले डेविड वार्नर को लेकर। तो इनका सिलेक्शन अगर देखेंगे 72% है, लेफ्ट हैंडेड बैटर डेविड वार्नर। इनकी बात करें दोस्तों इनकी रिसेंट जो फॉर्म है 23, 106, 16, 86, 5, तो दो इनिंग्स अच्छी है, 5 में 2 इनिंग्स अच्छी, यानी कि प्लेयर अच्छे हैं, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। अब दोस्तों इनका अगर देखेंगे हेड टू हेड में 43 का एवरेज है, 43.78 यानी कि 43 का एवरेज है, और टोटल इनका एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं 45 का है। एक मैच खेला है इस वेन्यू पे, 35 का एवरेज है, तो ये ठीक ठाक दिख रहे हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म में ये ठीक ठाक है। तो डेविड वार्नर को आप अपनी टीम में रख के चलना। बाकी ग्रैंड लीग की जो आपकी टीम है उनमें 50% टीमों में आप रखेंगे, 50% टीमों में आप ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ग्रैंड लीग की 50% टीमों में रखेंगे, 50% टीमों में ड्रॉप करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं त्राविस हेड के बारे में। सिलेक्शन 58% है, 33, 51, 5, 152, 19 तगड़े प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर हैं। देख सकते हैं अभी 54 मैच खेले, 40 का एवरेज है और 14 विकेट्स भी लिए हैं। ये बॉलिंग भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। हेड टू हेड में इनका 53 का एवरेज है, यानी कि दोस्तों हेड टू हेड में अच्छा खेलते हैं साउथ अफ्रीका के सामने, इस वेन्यू पे खेले नहीं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो डेविड वार्नर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है। 58% सिलेक्शन है और उनको डेविड वार्नर को ज़्यादा लोगों ने लिया है, त्राविस हेड का कम सिलेक्शन है। तो त्राविस हेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं डेविड वार्नर से, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं जीएल में अगर चाहें, ठीक है। अगर आप दोनों ओपनर्स में से किसी एक के साथ जा रहे हैं, बाकी आप दो के साथ जा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने जो मिचेल मार्श के बारे में। तो दोस्तों 95% सिलेक्शन है और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है 30, 1 विकेट, 50, 0 विकेट, 81, 66, 47, मतलब तगड़ी फार्म चल रही है मिचेल मार्श की। अभी T20 में धमाका कर रहे थे, ठीक है, तभी दोस्तों मिचेल मार्श का इतना तगड़ा सिलेक्शन है। हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, 8 विकेट्स भी लिए, इनका देख सकते हैं 72 का यहाँ पे 54 विकेट लिए, हाईएस्ट नहीं, ये 54 विकेट लिए, 72 मैच है, 34 का एवरेज है, 54 विकेट भी लिए, 54 विकेट, तो ये बहुत तगड़े और कैप्टन के सबसे सेफ ऑप्शन है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, कैप्टन के सबसे सेफ ऑप्शन है और लगभग फिक्स आपकी फिक्स प्लेयर हैं आपकी ग्रैंड लीग की टीम के, ठीक है। बाकी ये जो त्राविस हेड मैंने बताया ये दोस्तों ट्रंप प्लेयर्स में से। बात करें मानस लाबुसेन, तो एक अगर आपको ट्रंप प्लेयर चाहिए तो यहाँ पे मैं ट्रंप प्लेयर बन लिखे दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10% सिलेक्शन, अगर 2 विकेट जल्दी गिरते हैं लाबुसेन खेलेंगे बड़ी इनिंग बड़ी पारी। और लाबुसेन है तगड़े प्लेयर, देख सकते हैं यहाँ पे 31 का एवरेज है, 30 मैच खेले, और हेड टू हेड में 49 का एवरेज है, हेड टू हेड में 49 का एवरेज है, तो ये यहाँ पे बन जाते हैं ट्रंप प्लेयर बन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, लाबुसेन जो है ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम मार्कस स्टाइनिस, तो लगभग कंफर्म आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर एक मैच में आपको ओवर कर देगा। यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, बाकी बल्ले से अगर अच्छा नहीं करेंगे तो विकेट निकाल के जाएंगे। 40 विकेट लिए हैं 60 मैचों में और 28 का एवरेज भी है, यहाँ पे 25 का एवरेज है, 8 विकेट हेड टू हेड में, 4 ही मैच में 8 विकेट, मतलब हेड टू हेड में 8 विकेट भी लिए और 25 का एवरेज रन भी कर रहे हैं। तो मार्कस स्टोइनिस लगभग कंफर्म आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी ये भी वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है, अगर आप कैप्टन मिचेल मार्श में जा रहे हैं तो वाइस कैप्टन के भी ये ऑप्शन है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम एलेक्स केरी के बारे में। ये दोस्तों विकेट कीपर है, 21-0-12 DNB, 38 रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं जा रही, इसीलिए दोस्तों सिलेक्शन भी इनका बहुत अच्छा नहीं है। 35 का एवरेज है, वैसे ओवरऑल की बात करें तो 35 का एवरेज है, हेड टू हेड में 33 का एवरेज है, ठीक ठाक प्लेयर है, जीएल के लिए बेहतर हो सकते हैं अगर इनकी टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ये परफॉर्मेंस करके देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम
कैमरन ग्रीन के बारे में 60% सिलेक्शन है। ये दोस्तों बॉलिंग ऑलराउंडर हम इनको कह सकते हैं। 89 विकेट, 25 2 विकेट, 20 0 विकेट, 12 0 विकेट, ये दोस्तों लगभग अपनी बॉलिंग भी करेंगे, अगर बैटिंग आती तो बैटिंग से तगड़ा करते हैं। ये दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि ज्यादा लोगों का फोकस मार्कस स्टोइनिस पे, ज्यादा लोगों का फोकस कहां पे, मिचेल मार्श पे, लेकिन हो सकता है मिचेल मार्श उतनी बॉलिंग ना कराए और बैटिंग से फ्लॉप रहे तो उतने पॉइंट्स ना दे पाए, लेकिन दोस्तों ये दोस्तों बॉलिंग बैटिंग दोनों करा सकते हैं और बॉलिंग के इनके चांसेस रहते हैं कि पूरे करेंगे। 11 विकेट है 15 मैचों में और 50 का एवरेज है, ये चीज देखेंगे। और यहाँ पे 69 का एवरेज देख सकते हैं, दो मैचों में 69 का एवरेज है, 5 विकेट लिया, 69 का एवरेज दो मैचों में, इस तरह से कि कई बार नॉट आउट आते हैं तो एवरेज ज्यादा होता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, 5 विकेट है, 11 विकेट है, बहुत तगड़े प्लेयर है कैमरन ग्रीन, ग्रैंड लीग के कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है, स्मॉल लीग की टीम में आपके जरूर होने चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, सनावट अच्छे प्लेयर हैं, 20% सिलेक्शन है, 26 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, बॉलर हैं, वैसे बॉलिंग ऑलराउंडर भी कह सकते हैं इनको। 11 मैचों में 13 विकेट ले, हेड टू हेड और वो खेले नहीं है, इनको आप जीएल में ट्राई कर लेना, अच्छे प्लेयर है। बाकी हमारे पास बॉलिंग के दूसरे ऑप्शन है तभी इनको मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, बेहतर हैं, अच्छा कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हैं पैट कमिंस, तो पैट कमिंस कंफर्म होंगे, 72% सिलेक्शन है, 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म देखेंगे, बाकी टोटल ओवरऑल देखेंगे, 11 में 16 विकेट हेड टू हेड में, वेनू पे भी 1 विकेट है, ये हमारी टीम में कंफर्म होंगे और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन बेहतर है। नाथन एलिस, देखिए पैट कमिंस नाथन एलिस में से जो भी खेलता है तो उसको मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, 5% सिलेक्शन है, जीएल में जरूर ट्राई कर लेना, अगर खेलें तो कई बार बंडल्स में विकेट लेके चले जाते हैं, तो नाथन एलिस अगर खेलें तो जीएल में ट्राई कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, एडम जेम्पा अच्छे बॉलर हैं, 15% सिलेक्शन है, लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग करते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में, जॉस हेजलवुड अगर पैट कमिंस खेलेंगे पैट कमिंस के साथ, नहीं तो फिर मैं नाथन एलिस को ले सकता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, 79 में 131 विकेट, यहाँ पे देखें 5 मैच 12 विकेट, यानी कि 3 मैच में ही 12 विकेट, 2 में खाली रहे, 4 विकेट 4 विकेट 4 विकेट, तो जब ये चलते हैं एडम जेम्पा तो 3 या 4 विकेट लेके जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रिस्क हो सकता है इनको ड्रॉप करना, ग्रैंड लीग में कैप्टन भी बना सकते हैं जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सारे प्लेयर्स हमने देख लिया, अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को लेकर। तो यहाँ से दोस्तों क्वेंटन डिकॉक, टेम्बा बमुआ, एरासी बंदर, दूसरे एडन मार्करम, हेनरिक क्रासन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, ब्रायन पर्नेल, कगिशोर अवादा, एनिल नाकिया, तबरे शमशी, बैन पढ़ने लगे, नहीं खेलते तो यहाँ पे हो सकता है कैशव महाराज खेले, ठीक है इनके पास स्पिनर्स हैं पहले से, लेकिन दोस्तों हो सकता है कैशव महाराज खेलें, तो कैशव महाराज खेलते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। बाकी यहाँ पे अगर कोई चेंज होता है, अपडेट मिलती है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हमको देखते हैं क्वेंटन डिकॉक, इनकी रिसेंट फॉर्म देखते हैं, ठीक ठाक है, बहुत बेहतर नहीं है, हेड टू हेड में 31 का एवरेज है, वेनू पे 86 का एवरेज, यानी कि वेनू पे अच्छा खेलते हैं, 44 का एवरेज ऑल ओवर है। क्वेंटन डिकॉक भले ही हेड टू हेड में अच्छा ना खेलें, लेकिन वेनू पे और इनका ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है, तो क्वेंटन डिकॉक लगभग कन्फर्म आपकी टीम में होने चाहिए, स्मॉल लीग की टीम में मैं भी लेके चलूंगा। टेम्बा बमुआ ग्रैंड लीग के लिए बेहतर ऑप्शन, अगर रिसेंट फॉर्म देखें तो अच्छी जा रही, बहुत बेहतर है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं 52 का एवरेज है, 72 का एवरेज वेनू पे, तो जिस तरह से दोस्तों इनको सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यार यहां पे इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत बेहतर है टेम्बा बमुआ के, मैं कहता हूँ यार ग्रैंड लीग में जरूर इस प्लेयर को ट्राई करना, ट्रंप प्लेयर नंबर 2 यहाँ पे टेम्बा बमुआ है, और ये भी ग्रैंड लीग के कैप्टन के ऑप्शन है, अगर इस तरह की इनिंग खेल जाते हैं 144 90 109, तो इस तरह की इनिंग अगर खेलते तो बहुत तगड़े रहेंगे, बाकी इससे एवरेज से अगर खेल दें तो टेम्बा बमुआ को आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। आगे चलते हैं राशि बंदर दूसरे की बात करें, 44 का सिलेक्शन है, बाकी रिसेंट फॉर्म बिल्कुल ही नहीं है, प्लेयर बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, देखिए 60 का एवरेज है, 60 का एवरेज का मतलब बहुत तगड़ा खेले हैं, अभी रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं फिर भी 60 का एवरेज है, लेकिन दोस्तों अभी रिसेंट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे 95 का एवरेज, यहाँ पे 74 का एवरेज, अगर देखें तो सबसे तगड़े जो एवरेज से हेड टू हेड वेनू ओवरऑल वो इन्हीं के हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, तो ट्राई कर लेना। ये दोस्तों हम तो स्मॉल लीग की टीम में कन्फर्म अपनी लेके चलेंगे, जिस तरह से दिख रहे हैं कैप्टन भी बनाऊंगा ग्रैंड लीग में मैं, आप लोग भी ट्राई करना।
ये दोस्तों बेहतरीन अच्छे प्लेयर है। बाकी अगला प्लेयर देख सकते हैं आदन माकरम, लगभग दोस्तों हर एक टीम में हमारी होंगे, ग्रैंड लीग की भी और स्मॉल लीग की टीम में कंफर्म होंगे, टीम के वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं। रीजन बता दें 49 एक विकेट, 39 0 विकेट, 25 1 विकेट, 51 1 विकेट, 175 2 विकेट, यानी कि इतनी तगड़ी इनिंग खेल सकते हैं, तो आपके ग्रैंड लीग में कैप्टन भी हो सकते हैं। स्मॉल लीग में अगर वाइस कैप्टन के साथ जाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कैप्टन करेंगे किसको, मिचेल मार्श को, मैं भी करूंगा, तो ये वाइस कैप्टन के ऑप्शंस है, ऑप्शन में है। तो 32 का एवरेज इनका वेन्यू पे, 30 का एवरेज यहाँ पे, 16 विकेट्स ने 33 का एवरेज है, लेकिन इनिंग्स बहुत तगड़ी खेल जाते हैं। बॉलिंग अगर 3-4 ओवर करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, वहाँ से 1 या 2 विकेट भी लेके जाते हैं, तो आदन माकरम आपकी टीम में कन्फर्म होने चाहिए, मेरी टीम में भी होंगे। डेविड मिलर हिट एंड, यानी कि दोस्तों ये ऐसे प्लेयर हैं, ये आते ही हिटिंग करते हैं, यानी फिनिश करने आते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको उतनी ज़्यादा गेंदें भी नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों इनको जितना मौका मिलेगा उतने मौके को बड़ा इनिंग में तब्दील कर, देख सकते हैं 139 हाइएस्ट है, ये जो हाइएस्ट है वो हेड टू हेड में ही 59 का एवरेज है इनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया टीम है शुरुआती विकेट्स लेगी, शुरुआती विकेट्स अगर ले लेती है तो डेविड मिलर आके फिर से बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, तो आप चाहे ले सकते हैं। अभी के लिए मैं स्मॉल लीग में नहीं ले रहा हूँ, ग्रैंड लीग की टीम में मैं जरूर रोटेट करके चलूंगा इस प्लेयर को और कैप्टन भी बना सकता हूँ। हनिट क्रासन की बात करें तो दोस्तों 50% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म अच्छी है, 86 का एवरेज है हेड टू हेड में, एवरेज दोस्तों यहाँ पे अच्छा है वेन्यू पे, और बाकी ऑल ओवर जो एवरेज है वो भी अच्छा है। तो हैनरिक क्लासन भी प्लेयर अच्छे हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन स्मॉल लीग में हमारी टीम में अभी के लिए जगह नहीं बन रही, लेकिन ग्रैंड लीग में मैं रोटेट करके चलूँगा, बाकी कोई मैं चेंजेस करूँगा तो मैं बताऊँगा। बाकी आप देख सकते हैं वाइन फर्नेल, इनको भी दोस्तों मैं ड्रॉप करके चलूँगा अभी के लिए, विकेट्स देख सकते हैं 99 विकेट हैं 73 मैचों में, अच्छे प्लेयर हैं, मगर अगर वाइन फर्नेल नहीं खेलते, केशव महाराज खेलते तो इनके स्टैट्स यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगर स्टैट्स देखेंगे तो वाइन फर्नेल के स्टैट्स बेहतर हैं, अगर अवेलेबल होते हैं तो हेड टू हेड में भी 13 मैचों में 18 विकेट हैं, तो चांसेस वाइन फर्नेल के भी बन रहे हैं। मार्को यानसन की बात करें दोस्तों, ये अच्छा करके आए हैं रिसेंट में, अच्छा करके हैं, लगभग हर एक मैच में 1 विकेट या 2 विकेट लिया है, बाकी 10 विकेट हैं 9 मैचों में, 26 का एवरेज भी, रन्स कर रहे हैं और विकेट्स ले रहे हैं, तो मार्को यानसन लगभग कंफर्म खेल सकते हैं, 10% सिलेक्शन है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। किशोर वादा की बात करें तो इनका भी रिसेंट ठीक ठाक है, 89 में 137 विकेट, हेड टू हेड में 11 में 19 विकेट, यानी कि हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, विकेट्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं नाकिया, अब इन पे भी थोड़ा डाउट है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर नहीं खेलते हैं दोस्तों तो इनके जगह पे जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी 44% सिलेक्शन, 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, 3 मैच में 6 विकेट, 3 मैच में वेन्यू पे 8 विकेट, वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, बाकी 21 में 36 विकेट है, इनको देख सकते हैं, अगर ये खेलेंगे कन्फर्म होंगे। रबादा और नॉर्थ जी, दो बॉलर्स कंफर्म होंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से, हमारी टीम में आप भी लेके चल सकते हैं। अगर गेलार्ड कोटजी खेलते हैं उनकी जगह पे नाची जगह, तो मैं इस प्लेयर को भी लेके चलूंगा, 5% सिलेक्शन है, मैं लेके चलूंगा, ये प्लेयर जो है विकेट्स जरूर लेगा, ये प्लेयर विकेट्स जरूर लेगा, बाकी 2 में 5 विकेट और यहाँ पे 2 मैचों में 5 विकेट, 2 ही मैच खेले हैं, ये अगर खेलेंगे नार्जे की जगह तो ये हमारी टीम में होंगे। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो शेयर करें, उसके बाद जो हमारी एक बेस्ट स्मॉल लीग की टीम बनाई है हमने, उसमें दोस्तों क्वेंटन डिकॉक को लिया, राशि वेंदर दूसरे को लिया, मार्कस स्टोनिस, डेविड वार्नर पे थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा आपको, मिचेल मार्श, आदन माकरम, किशोर वादा, नाजिया, जेसन हेजलवुड और पैट कमिंस। आयदन माकरम की जगह जैसे मैंने कहा मैं त्राविस हेड को ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, ये टीम है, यही टीम होगी। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सिर्फ दो बता देता हूँ, कैप्टन ये रहेंगे, वाइस कैप्टन मैं आयदन माकरम, कैप्टन मिचेल मार्श, वाइस कैप्टन आयदन माकरम। जो अदर ऑप्शंस हैं थोड़े रिस्की है, उसमें दोस्तों यहाँ पे अगर आप त्राविस हेड को ले रहे हैं तो वो भी हैं, मार्कस स्टोइनिस भी हैं, कैमरन ग्रीन भी हैं, पैट कमिंस और डिकॉक, तो ये रिस्की ऑप्शन है, बाकी सेफ ऑप्शन से ही दोनों है कैप्टन वाइस कैप्टन के, ठीक है। बाकी ये प्लेस मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ट्राविस हेड को डेविड वार्नर की जगह, तो बाकी हमारी टीम यही रहेगी। और जो मैं चेंजेस करूँगा, अपनी जो फाइनल टीम बनाऊँगा वो टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की टीमों को लेकर, तो ग्रैंड लीग की जो पहली टीम बनाई उसमें त्राविस हेड को ले लिया है, मार्कस स्टोनिस को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मार्कस स्टोनिस जो है हो सकता है उतनी परफॉर्मेंस ना दे पाए, लेकिन त्राविस हेड का लगभग कंफर्म है परफॉर्मेंस देंगे, त्राविस हेड कैप्टन है, पैट कमिंस वाइस कैप्टन, पैट कमिंस के 3 विकेट प्लस कुछ रन्स अगर आ जाते हैं
देखिए नार्जे रवादा को लिया है तो विकेट्स तो गिरेंगे, पैट कमिंस तक बैटिंग आ सकते हो, पैट कमिंस का बैटिंग आएगी तो कुछ रन, तीन विकेट प्लस कुछ रन। ट्रैविस हेड मान लीजिए 70-80 रन या 100 रन, ये फिर एक या दो विकेट भी आ जाता है तो ये बेहतर हो जाता है। तो ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है। कैप्टन के ऑप्शन राशिवेंद्र दुसैन भी बेहतर हैं, जिस तरह से टीम जो साउथ अफ्रीका टी20 में खेली उससे बेहतर खेलेगी इससे, क्योंकि यहाँ पे जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है तो 99 मैच लगभग खेले हैं दोनों टीमों ने, जिसमें 51 साउथ अफ्रीका ने जीते, 48 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। इसमें आपको साउथ अफ्रीका की टीम आगे दिख रही है, लेकिन लगभग हम बराबरी की टीमें कह सकते हैं दोनों टीमों को, लेकिन स्टैट्स की बात करें तो आगे जा रही है साउथ अफ्रीका। तो आप लोग एक मत सोचना एक तरफा मैच होगा, एक तरफा मैच नहीं होगा, ठीक है। तो राशिवेंद्र दुसैन जो है ये ग्रैंड लीग के कैप्टन के बेहतर ऑप्शन है। दूसरी जो टीम है, हमने कैमरन ग्रीन को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन कर दिया क्वेंटन डीकॉक को। अब ये जो क्वेंटन डीकॉक को वाइस कैप्टन किया है, यहाँ पे हमने राशिवेंद्र दुसैन को ड्रॉप करके टेम्बा बमुआ को लिया है, क्योंकि टेम्बा बमुआ ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, टेम्बा बमुआ परफॉर्मेंस दे सकते हैं और हम ऐसे प्लेयर्स ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करेंगे, भले हम 6-7 टीमों में एक टीम में ट्राई करें, लेकिन हमको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कई बार ड्रीम टीम में आ जाते हैं और हम लोग मिस किए होते हैं रिसेंट फॉर्म की वजह से। तो अच्छा कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। हमने कैमरन गिन को कैप्टन, वाइस कैप्टन क्वेंटन डीकॉक को किया। तो इस तरह की टीमें बनाई हैं। बाकी आप बॉलर्स में थोड़ा रोटेशन खुद से कर सकते हैं, जैसे पैट कमिंस नार्दिया अगर नहीं खेलेंगे तो मैं दूसरे प्लेयर्स को ट्राई कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को ले लिया, हमने डेविड वार्नर को ड्रॉप कर दिया, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पे राशिवेंद्र दुसैन। तो ये ग्रैंड लीग की टीम नंबर हमारी दो हो गई। बाकी दोस्तों मैं जो फाइनल ग्रैंड लीग की 5-6 टीमें बनाऊंगा, जो भी बनाता हूँ, उसमें से 1-2 या 3 जो मुझे बेस्ट लगती हैं टीमें, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो लोग सर्च करके जुड़ रहे हैं, 21,900 लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैंड लीग की टीमें मैं लगातार देता हूँ, जो लोग सर्च करके जुड़ रहे हैं कोशिश करना यार फेक चैनल से सब लोग बच के रहना, ठीक है, रियल चैनल से ही जाके जुड़ना। बाकी जिसने भी बल्लेबाजी आपको डाउनलोड नहीं किया, 15% एक्स्ट्रा रियल कैश है, क्योंकि कहीं नहीं मिलता, तो सभी लोग जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर लो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो सभी लोग यार वीडियो को लाइक करो, सभी लोग वीडियो को लाइक करो, सिंपल एक लाइक करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना, और जैसी भी आपको वीडियो लगी वैसी कमेंट करके जाना, अच्छी लगी अच्छी कमेंट, खराब लगी खराब कमेंट। और अगर ऐसी वीडियोज आपको पसंद है, ऐसे कंटेंट पसंद है, ग्रैंड लीग आप विन करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आगे आपको फायदा दे सकता है। थैंक यू।